हेलो एवरीवन, मैं महताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का फिर एक बार वेलकम और स्वागत करता हूं। और आज अपने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के पार्ट थ्री वीडियो को लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम एक सीरीज, मैंने कहा था कि पूरा कंप्लीट ग्रामर जिसके माध्यम से हम इंग्लिश को समझें, इंग्लिश को बोले, वो मेन टॉपिक्स जो चैप्टर्स हैं पूरे ग्रामर के, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और बिल्कुल डिटेल में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ताकि हर एक बच्चा मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो सीख सके, वो फायदा उठा सके। इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल ये निःशुल्क है, ताकि हर बच्चा अपने मोबाइल के जरिए से घर बैठे इंग्लिश की जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है आज के बच्चों में, उस समस्या को घर बैठे हल कर सके, दूर कर सके। हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे थे और उसका एक यूज मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यूज दुनिया की सच बातें जो होती हैं उसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सूरज का पूरब से निकलना, अंधे लोगों का न देख पाना, शेर का मांस खाना, बकरी का मांस न खाना। तो ये सारी बातें वो है जिसमें एक हकीकत है, एक रियलिटी है, एक सच है, जिसमें कभी अगर हम अगर कुछ तब्दील करना चाहें, कुछ बदलना चाहें तो असंभव है। तो इस तरह की जो भी बातें होती हैं, मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको बनाया जाता है। उसी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक दूसरा यूज है जिसको हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। हैबिचुअल एक्शन की जब हम बात करेंगे, हैबिचुअल आप क्या लेते हैं, हैबिट, हैबिट से बना हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी आदत बताने के लिए किसी भी इंसान के प्रेजेंट के अंदर ये बात जरूर कंफर्म होनी चाहिए कि प्रेजेंट के अंदर वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसकी कोई आदत हो, ऐसा कोई काम जिसको वो आदत बना चुका हो और उसको वो बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़ी रेगुलरिटी के साथ और एक आदत के रूप में वो काम को रोजाना करता हो, उसी काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट इनडेफिनिट जिसको हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, इसी के माध्यम से बनाते हैं। इसी के माध्यम से बनाने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट इनडेफिनिट का रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इससे पहले वाले जो पार्ट वन है, पार्ट टू है, उसमें मैंने रूल लिख के उसको मैंने भी समझा दिया है। और लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि आप एसवीओ को जानें, और एसवीओ का समझना ही आपको ये टेंस पूरा समझा पाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आप नहीं समझ पाएंगे। और फिर यही होता है कि हम गुस्से में आके, खिजला के हम छोड़ देते हैं। आप यकीन मानिए कि जब तक आपका एसवी कंफर्म नहीं होगा, एसवीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उस वक्त तक नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो वेयर द लिंक ऑफ एसवीओ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म दिस थ्री टर्म एंड देन आफ्टर फॉर यू इट मे बी इजियर, अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू अक्वायर सिंगल वर्ड। तो जब तक ये तीनों चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, उस वक्त तक टेंस समझना या ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझना बहुत मुश्किल होगा और बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एसवी के नाम से मैंने दो वीडियो मैंने बना रखे हैं, अपलोड भी हैं, आप उसको देख लें। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट के अंदर किसी इंसान के अगर कोई हैबिट है, कोई आदत है, तो उस आदत को हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। इस बात को आप याद रखें, सिंपल प्रेजेंट में बनाने का मतलब ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है उसी रूल पे, उसी उसूल पे हम बनाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल मैंने लिखा है कि वह झूठ बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, एस क्या है, बी क्या है, ओ क्या है। मैंने बताया था कि हर सेंटेंस के अंदर, हर वाक के अंदर ये चीजें जरूर होती हैं और इन तीनों चीजों को, एस एसवीओ को जानने के बाद ही अगला स्टेप जो होता है इंग्लिश में कन्वर्ट करने का, तभी आपके लिए आसान हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों को इसमें से ढूंढते हैं, एसवीओ क्या है। देखिए आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने कहा तो वर्ब ढूंढिएगा, वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई काम तो जरूर होगा,
यहां देखिए बोलने का काम बताया जा रहा है, क्या काम? बोलने का, ये वर्ब है। अब बोलने वाला कौन है? वह सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है आप जानते हैं? झूठ है। तो ये तीनों चीजें आपने निकाल लिया। आप जरा सेंटेंस जब आप कॉल करें कि वह झूठ बोलता है, इस सेंटेंस के अंदर एक एक्शन बोलने का जो क्या है, एक हैबिट है, एक आदत है। आदत किसकी है? वह की। अब वह कौन है? नाम नहीं मालूम है, या मैं जानता हूं, मैं उसको नहीं बताना चाह रहा हूं। तो वह क्या है? वो झूठ बोलता है। इट मींस उसकी हैबिट है। किस चीज की हैबिट है? झूठ बोलने की। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी इंसान की कोई आदत है प्रेजेंट के अंदर, तो उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेते हैं। अब इंग्लिश में आप इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा जाता है ही, और बोलने की आप जानते हैं टी ए आई डबल एल एस आप लगाएंगे, एस क्यों लगाएंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही टेल्स, ही टेल्स अ लाई, ठीक है, वह झूठ बोलता है, वह झूठ बोलता है। अब इस काम में एक हैबिचुअल एक्शन है, एक आदत उसकी है कि जब भी वो बात करता है, जब भी वो बोलता है, जब भी वो जुबान खोलता है, तो वो क्या करता है? सच नहीं बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। तो किसी भी इंसान की कोई अगर हैबिट है, कोई आदत है प्रेजेंट में, उस आदत को बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने के लिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा दोस्त रोजाना फुटबॉल खेलता है, क्या काम हुआ? खेलने का। अब देखिए, खेलने का काम कभी कभी हो रहा है। आप जरा गौर से पढ़ेंगे इस सेंटेंस को कि मेरा दोस्त रोजाना फुटबॉल खेलता है, तो ये इन बातों से सारे वर्ड्स को अगर आप देखें अगर एक साथ, तो आपको ये मालूम होगा कि इसमें जो काम है ना, वो एक हैबिट है, एक हैबिचुअल एक्शन है जो रोजाना किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? माई फ्रेंड, मेरा दोस्त सब्जेक्ट है, मेरा दोस्त खेलता है, उसकी आदत है, बिना खेले वो रहता ही नहीं है, और रोजाना उसको खेलना चाहिए। उसको वक्त कहीं मिले, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, उसकी आदत बन चुकी है। किस चीज की? खेलने की। अच्छा, मेरा दोस्त खेलता है, कौन सी चीज खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तीनों चीजें आपको मिल गई, एस पी ओ, तीनों चीजें आपने ढूंढ लिया। तो अब इंग्लिश में बनाने का उसूल है कि पहले एस पी ओ, लेकिन आपने इस रूल को आप देखेंगे पहले लेक्चर में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या एस जोड़ते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में हम ना एस जोड़ते हैं ना एस जोड़ते हैं, एस पी ओ के पैटर्न में ही हम लिख देते हैं। अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं, देखिए माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड, उसके बाद क्या है, खेलना, प्लेस, माई फ्रेंड प्लेस, मेरा दोस्त खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, रोजाना, आप जानते हैं रोजाना को हम डेली कहते हैं, डेली, माई फ्रेंड प्लेस फुटबॉल डेली। तो इसमें भी एक हैबिट है, हैबिट किसकी है, मेरे दोस्त की है, मैं बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त है जो रोजाना फुटबॉल खेलता है, उसको खेलने की आदत है, चाहे कोई काम हो ना हो लेकिन फुटबॉल खेलने का काम वो छोड़ेगा ही नहीं, उसकी लत है, उसकी आदत है। तो अगर इसी तरह कोई आपका भी दोस्त है, कोई आपका भी साथी है, आपकी अपनी कोई आदत है, मैं रोजाना लेट से सोता हूं, वो तो रात दिन मोबाइल चलाता है, जब देखो तब बात करता रहता है, हर वक्त शोर मचाता रहता है, जब देखो गाली देता रहता है, तो कोई भी इंसान अगर प्रेजेंट में है, उसकी कोई हैबिट है, तो उस हैबिट को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये इसका दूसरा इस्तेमाल है, पार्ट थ्री में हम बात कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ, उठना ये आपका वर्ब है, कौन उठता है, मैं उठता हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो बची हुई चीज आगे के मान लेंगे, ठीक है, 5 बजे, ये रोजाना, ठीक है, तो मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ। अब इंग्लिश में बनाने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा जाता है आई, और उठने को आप जानते हैं कि गेट अप कहते हैं, आई गेट अप। अब इसमें भी एक आई गेट अप, इसमें हैबिट क्या है,
मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरी आदत क्या है कि मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात हो, या रात को मैं सोया हूँ नहीं सोया हूँ, इट डजंट मैटर। 5 बज गया मुझे बिस्तर छोड़ना है, बिस्तर मैं छोड़ ही देता हूँ, मेरी आदत बन चुकी है 5 बजे उठ जाने की। तो इस तरह कोई आपकी भी आदत है, आप 7 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, आप रात 10 बजे सोते हैं, आपका दोस्त दिन भर सोता रहता है, मैं दिन भर पढ़ता रहता हूँ, वो पूरी रात जागता रहता है, तो इस तरह प्रेजेंट के अंदर मेरे अब्बू रोजाना चहलकदमी करते हैं, मेरे अब्बू रोजाना मेरे अब्बू रोजाना सुबह सवेरे हम लोगों को चॉकलेट देते हैं। तो इस तरह जो भी प्रेजेंट के अंदर कोई हैबिचुअल काम है, कोई हैबिट अगर बताई जा रही है, उस हैबिट को आप सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बस दिमाग में ये हो कि जो बात आप बोलने जा रहे हैं, यही इंग्लिश का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि तातीते पे आप मत जाएं, जो बात आप कहने जा रहे हैं, जो बात आप बोलने जा रहे हैं, उस बात में आप गौर करें कि आप हकीकत बात बोलने जा रहे हैं जो दुनिया की सच बात है, या फिर उसमें कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई आदत आप बताने जा रहे हैं, या और भी इसके बहुत से यूज हैं। इसी तरह हर यूज का एक अपना पैटर्न है, एक अपना पार्टिकुलर यूज है। उस चीजों को जब आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो आपको इंग्लिश बनाना और इंग्लिश समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपको एंडिंग वाला ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी, ये आपको धोखे में डाल दोगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आप नहीं बोल पाओगे, आप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, आपके बोलने में लोग भी बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे बातों को प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई गेट अप, मैं उठता हूं 5 बजे, एट 5 o'clock रोजाना, बच्चा आप इन्हें डेली लिख दीजिए, डेली रोजाना। तो आई गेट अप एट 5 o'clock डेली, मैं रोजाना 5 बजे उठ जाता हूं। इट मींस इट्स माय हैबिट टू गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 5 बजे उठना ही मेरी हैबिचुअल। इट मींस दिस इज अ हैबिचुअल एक्शन व्हिच आई डू एवरी डे फॉर गेटिंग अप एट 5 o'clock, ये मेरी एक आदत है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप क्या देख रहे हैं कि वो अपना वादा पूरा नहीं करता है, वह अपना वादा पूरा नहीं करता है। इस बात के अंदर ये बताया जा रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में ये बात बताई जा रही है कि वो अपने वादे का कच्चा है, उसकी आदत है कि वो जब भी वादा करता है वो वादा तोड़ता है, क्योंकि उसकी फिक्र बन चुकी है, वो अपने वादे को पूरा नहीं करता है। तो इसलिए उसकी इस हैबिट को हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे कि वो अपना वादा पूरा नहीं करता है। की प्रॉमिस के माने होता है वादा पूरा करना, की प्रॉमिस। तो आप जानते हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है, और डू नॉट आप जानते हैं जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा होता है तब इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगल होता है तब इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पूरा करने का, ठीक है, पूरा करना, या आपका वर्ब है। कौन पूरा करता है, कौन पूरा नहीं करता भाई, पूरा नहीं करना, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। किस चीज को पूरा नहीं करता, अपने वादे को, ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में इसको हम जब बनाएंगे, बात नेगेटिव है, नहीं है, और सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इस बात के अंदर एक हैबिचुअल एक्शन है, जब हैबिचुअल एक्शन है और प्रेजेंट क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बनाएंगे, तो ही को हम जानते हैं, ही कहते हैं। और अब यहाँ पे आप जानते हैं डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जो वादा पूरा नहीं करता है वो एक है, और एक के लिए आप क्या लाते हैं, डज नॉट, ही डज नॉट कीप, कीप प्रॉमिस का मतलब होता है वादा पूरा करना, ही डज नॉट कीप हिज प्रॉमिस। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ही डजंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ही डज नॉट कीप हिज प्रॉमिस, इट मींस ही इज नॉट हैबिचुअल टू कीप हिज प्रॉमिस। It means when he keeps promise, he doesn't complete it. जब भी वो कभी वादा करता है तो वो वादा पूरा नहीं करता है, अपना वादा वो क्या करता है, पूरा नहीं करता है। तो ये इसमें habitual काम है, तो simple present tense का एक use ये भी है कि वर्तमान में
किसी इंसान की अगर कोई आदत है, कोई हैबिट है, तो उस हैबिट को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं फिर कर दूं, आपसे बता दूं कि ये सारी वीडियो जब तक आप पहले के लेक्चर आप पार्ट वन पार्ट टू और SVO का लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो जो यहाँ से डायरेक्ट देखना शुरू किए हैं उनको समझ में ये बात नहीं आएगी कि ये सब कैसे बन गया है। तो आप जब शुरू से आएंगे तो सारी चीजें आपको कंफर्म होंगी, आपको समझ में आएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा और आपको सीखने में मजा भी आएगा। ये देखिए कुछ एक्टिविटी मैंने दिया है, योर जॉब आपका काम। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद समझने के बाद कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने हिंदी में लिख दिए हैं ताकि आप उसको खुद बनाएं और आप उसको बनाएं और बेहतर है उसको आप भेजें भी कमेंट बॉक्स में ताकि मैं देख सकूं कि कितना सही है कितना गलत है, उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। पहला है वो सच बोलता है, मैं नाश्ते में दूध पीता हूँ, वो लोग शराब पीते हैं, तुम पैसों की हिफाजत नहीं करते हो, वह लोग दुश्मनों से बदला नहीं लेते हैं, वह मुसीबत में अपने दोस्तों की मदद करता है, तुम मुझे ध्यान से नहीं सुनते हो। इन सब में आप देखेंगे है विजुअल काम है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब ये जो आपका टास्क है आपका काम है आप इसको पूरा करेंगे और पूरा करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे और जैसा हो सकेगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, गाइड करूंगा, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, अगला पार्ट है, इसके और भी कई यूज हैं, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के और भी यूज हैं, मैं पार्ट फोर भी बनाऊंगा, पार्ट फिफ्थ बनाऊंगा, सिक्स बनाऊंगा, जब तक कि ये पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट ना हो जाए पूरा इसका यूज मैं वन बाय वन आपको बताता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।